हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 15। 15 का वन नंबर से देखते हैं क्या कह रहा है कि 37 कलम एवं 53 पेंसिलों का मूल्य 320 रुपये है, जबकि 53 कलम एवं 37 पेंसिलों का मूल्य 400 रुपये है। तो एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य अलग अलग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक कलम का मूल्य बराबर में एक्स रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य जो है वह वाई रुपए ले लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न से। चलिए, पहले कह रहा है कि 37 को कलम है तो एक का एक्स रुपये दाम है, तो 37 को का 37 एक्स, और 53 को पेंसिल है तो 53 वाई हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 320 रुपये। समीकरण एक ले लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, 53 एक्स प्लस का 37y बराबर में 400। अब देखिए एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे x का गुणांक इसके y के गुणांक और इसका y के गुणांक इसके x के गुणांक के बराबर है, और बड़े बड़े अंक है इसलिए ऐसा करेंगे। चलिए तब लिखते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, देख लीजिएगा जोड़ के क्या होता है, 7 × 3 = 10, 5 × 3 = 8, 8 × 1 = 9, 90x 90y और इधर आ जाएगा आपका 720। ठीक है, 90 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 720। इसको ले जाते हैं इधर, आठ बार में कट जाएगा। ठीक है, समीकरण तीन ले लेते हैं। अब देखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाते हैं। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर देखते हैं क्या होता है, 37x प्लस का 53y बराबर में 320, 53x प्लस का 37y बराबर में 400 घटाना है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 16x। ठीक है ना जी, 13 में से 7 जाएगा आपका 6, और यहाँ पर हाँ 16x प्लस का 16y और इधर माइनस का 80। माइनस का 16 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर में यहाँ पर माइनस का 80। इसको ले जाएंगे भाग में, यहाँ जाएगा x माइनस वाई बराबर में 16 × 5 = 80। समीकरण चार ले लेते हैं। अब समीकरण तीन और चार को सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण तीन तथा चार से x प्लस वाई बराबर में 8 और यह है दूसरा आपका x माइनस वाई बराबर में 5। ये y से y कैंसिल, 2x बराबर में यहाँ 13, ये जाएगा भाग में तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 6.5 0। इतना 6.5 या 6.50 भी लिख सकते हैं हम। चलिए तो x का मान समीकरण तीन में रख देते हैं, रखने पर तो समीकरण तीन क्या है, x प्लस वाई बराबर में 8, 6.5 प्लस वाई बराबर में 8, y का मान कितना आ जाएगा इधर से 1.5। तो इसलिए लिख सकते हैं कि एक कलम का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 6.5 रुपये, तथा एक पेंसिल का मूल्य वाई यानी कि 1.5 रुपये। तो चाहो तो जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि है ना पैसा है ना, ये 6 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे ऐसे दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा करती है। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।